friends and welcome to sleepy classes ka 2 minute series for polity

ये क्या है आपको पता होना चाहिए ये 338 थ्री थर्टी एट थ्री थर्टी एट ए एंड थ्री थर्टी एट बी जो भी रिसेंटली एड हुए हैं राइट सो अभी ये इन तीनों को इकट्ठे क्यों दिए क्योंकि इनकी जो रिमूवल की प्रोसीजर्स हैं फॉर द मेम्बर्स वाइस चेयरपर्सन एज वेल एज द चेयरपर्सन वो तीनों के ही सेम है राइट right? तो रिमूवल का प्रोसीजर क्या है उन्होंने सबसे पहले बोल दिया कि देखिए जो मेम्बर्स हैं चेयरपर्सन है और वाइस चेयरपर्सन है इनको ऑफिस इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना है तीन साल का एंड दो साल का दो टर्म्स जो है मैक्सिमम ये सर्व कर सकते हैं उसके बाद इनको को दोबारा पोस्ट टू टर्म्स जो है दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता जो 6% हैं उनको रिमूव करने के लिए राइट बेसिकली उनको रिमूव करने के लिए दो जो मेन ग्राउंड्स दिए गए हैं उनको ऑफिस से निकाला जा सकता है ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर राइट सिर्फ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बनाई गई है एक कमेटी इंक्वायरी होल्ड करने के लिए वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करे कि इनको निकाल देना चाहिए ठीक है कि ये जो ग्राउंड है फॉर मिसबिहेवियर उसके बेसिस पे चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब और द बैकवर्ड क्लासेस ने ऐसा कुछ किया है कि उनका रिमूवल बनता है ठीक है ऑन दैट बेसिस द चेयरपर्सन मे बी रिमूव या फिर इसके अलावा प्रेजिडेंट जो है चेयरपर्सन को तब भी रिमूव कर सकते हैं अगर वो एक इंसॉलवेंट जज हो जाए ठीक है बेसिकली बैंक करप्ट या फिर अपने टर्म के दौरान किसी पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है वो इंगेज करें या फिर अनफिट टू कंटिन्यू हो इन इन दी ऑफिस राइट बेसिकली बहुत कमज़ोर हो गए ठीक है बिकॉज ऑफ एज और एनी अदर रीजन उनको इंफॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी आ गई ठीक है इसके अलावा अगर मिस बिहेवियर की बात की जाए वो ब, बोलते हैं कि अगर चेयरपर्सन जो है किसी भी तरह से इंटरेस्टेड हो या कंसर्न हो इन एनी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट जो कि बनाया गया है ऑन बिहाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दैट ऑफ अ स्टेट या फिर पार्टिसिपेट करता है किसी भी तरह से इन द प्रॉफिट ठीक है या फिर बेनिफिट या एमोल्यूमेंट जो उनको मिले अदर देन एज अ मेंबर ठीक है या फिर इन कॉमन विद अदर किसी में इनकॉपरेटेड कंपनी की ठीक है तो इन दोनों जो आगे इन दोनों ग्राउंड्स के बेसिस पे जो है उनको गिल्टी और मिसबिहेवियर साबित किया जा सकता है तो ये जो है ये जो मेन प्रोसीजर है रिमूवल का फॉर द चेयरपर्सन ऑफ ऑल थ्री इंस्टीट्यूशंस दैट इज ऑफ शेड्यूल कास्ट्स

एंड वन ऑफ़ द वेस्ट टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस इज़ कि अगर उनका जो टेन्योर है वो भी फिक्स किया जाए और उनके जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल हो वो भी काफ़ी टफ़ हो तो कैग को किस तरह से निकाला जा सकता है कैग को सिर्फ जो प्रोसेस डिटर्मिन हुआ है फॉर द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज सिर्फ उसी बेसिस पे जो है कैग को भी निकाला जा सकता है राइट सो जस्ट एज द प्रोसीजर टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज इज एक्सट्रीमली टफ उसी तरह से ये बनाया गया है कि जो प्रोसीजर टू रिमूव आपका कैग हो वो भी उतना ही जो है जैसे जजेज इंक्वायरी एक्ट जो है जो कि डिटर्मिन करता है प्रोसीजर रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ठीक है जिस इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू उसी प्रोसेस से जो है कैक को भी रिमूव किया जाता है ठीक है तो अगेन उस तरह की के जो रिमूवल मोशन हो उसको साइन किया हो ठीक है इधर बाय हंड्रेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और फिफ्टी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इनिशिएट करने के लिए ठीक है तीन मेंबर कमेटी आगे बिठाई जाए स्क्रूटनाइज करने के लिए राइट और जो है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है एटलीस्ट जो 50% है वो होने चाहिए एंड टू थर्ड ऑफ द 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो है उसके फेवर में वो करे ठीक है तो इस ग्राउंड पे ही जो है कैग निकाला जा सकता है अगेन उनकी जो सैलरी और अदर बेनिफिट्स है वो भी प्रोटेक्टेड होते हैं एंड उनको दोबारा किसी और गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर अपॉइंट नहीं किया जा सकता आफ्टर रिटायरमेंट अटॉनी जनरल एंड एडवोकेट जनरल की अगर बात की जाए जिस तरह से हमने पहले भी उनके अपॉइंटमेंट में देखा था कि उनको अपॉइंट कौन करता है जो प्रेजिडेंट है या गवर्नर है एंड दिस सर्व ऑल्सो एट द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट और द गवर्नर ठीक है सो अटॉर्नी जनरल जो है अगेन ही विल होल्ड ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ़ द प्रेजिडेंट दैट इज़ कि अब इनको निकाला जा सकता है प्रेजिडेंट द्वारा किसी भी टाइम पे कन्वेंशनली जब भी गवर्नमेंट रिप्लेस होती है या रिज़ाइन होती है तब तब जो है अटॉर्नी जनरल भी जो है वो हटा दिए जाते हैं या वो रिज़ाइन कर देते हैं ठीक है और रिज़ाइन किसको करते हैं अगेन प्रेजिडेंट को ठीक है सिमिलरली एडवोकेट जनरल है गवर्नर के द्वारा तो किसको देते हैं ये गवर्नर को देते हैं ठीक है सो दीज ऑर देश फॉर रिमूवल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट ऑफिस ठीक है आप प्रिपेयर करते रहिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पर दोबारा ध्यान देते रहिए एंड सी वन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू